मैं रेडी होने जा रही हूँ, मैं साड़ी पहन रही हूँ आज। हाय गाइस, हैप्पी नवरात्रि आप सभी लोगों को। तो आज यथार्थ की फर्स्ट नवरात्रि है, पहले तो माता रानी की फर्स्ट नवरात्रि है, बट यथार्थ की फर्स्ट नवरात्रि है। तो हम लोग जा रहे हैं इंडस्ट्री वाले मंदिर, और यथार्थ की फिंगर अपने मुंह पे रहती है हमेशा। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला होता, तो कोई बोल रहा था कि वो अच्छी बात होती है कि बच्चे अपने मुंह पे डालते हैं ना फिंगर्स, इस वजह से, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही होती है। सो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर, और सब लोग चले गए हैं, बस माँ सुमनदेव और ये हम लोग बचे हुए, तो हम लोग जा रहे हैं। बाकी चाची चाची जी और दादी माँ वगैरह सब चले गए, तो अभी हम चलते हैं और आपको वहाँ की पूजा दिखाते हैं। आज से हवन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा हमारी फैक्ट्री में। सो चलो मिलते हैं, बाय। ये देख सकते हैं मिरर, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं मैंने बैग लिया हुआ है, क्योंकि ये था इसमें सारा सामान है। और ये मेरा बैग जो है बहुत अच्छा है, जब मैंने लिया हुआ था तब मुझे लगता है मेरे कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं बैग्स वगैरह लेती हूँ, बट अभी मुझे हर जगह ये बैग वगैरह लेके जाना ही पड़ता है, क्योंकि यथार्थ होता है साथ में इस वजह से। और मैं आज कैसी लग रही हूँ मुझे कॉमेंट करके बताना, क्योंकि आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, मैं साड़ी बहुत रेयर पहनती हूँ। ये बैंगल्स पहन ली मैंने, चेंज कर ली, मैं चूड़ी वगैरह कुछ पहनी नहीं थी इस तरह से। क्या कर रहा है यथार्थ, चाचू के पास बैठा है, मस्ती मस्ती। ओहो, सनरूफ के मजे, सनरूफ के मजे ले लो बेटू। बाय बाय, कार कैसे लाएगा चाचू के पास? ट्रायल कर रहे हैं, हमने देखा है बच्चे ऐसे इसमें पैर डाल देते हैं ना, और इसको स्टेरिंग पकड़ा दो, स्टेरिंग पकड़ा दो ऐसे। हमने ट्राई करा है कि इसका रील बनाते हैं। पकलो बेटू, पकलो। मैं जा रही हूँ इनकी रील बनाने के लिए। ये बेटू घुमा घुमा चलेगा बेबी, आजकल रोज घूमी घूमी जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बेटा? यहाँ जय जय कन्या, क्या किसके पास बैठी हो? बाबा के पास बैठी हो, बाबा के पास में बैठे हैं, बाबा के पापा के पास में। हाँ, पापा के बाबा के पास में बैठे हैं। तो गाड़ी में से ना बैग निकालना है, यथार्थ का स्वीट वाला बोतल वगैरह सारी चीजें उसमें रखी हुई हैं। तो ये रखा है मेरा बैग। माला पहन ली यथार्थ ने, माला पहन ली, माला पहन ली बेटू ने। हाँ मस्ती मस्ती। करने जा रहे हैं आज फर्स्ट टाइम अपनी इंडस्ट्री देखेगा जाके। एक हो गया, यहाँ पे माते बाबा खड़े हैं, ये मशीनें ऊपर जानी है। ये दिखा देते हैं, यहाँ पे हमारी फैक्ट्री में सारा काम चलता है। हाँ इनकी फैक्ट्री कहीं तो बना रहे हैं, देख लो बिना डे टाइम पे सारी मशीनें वगैरह चलती हैं, आप देख सकते हैं सारा शेड है यहाँ पे, सारे वर्कर्स वगैरह होते हैं। अब आज यहाँ पे लगे हुए थे जवारे के लिए, तो यहाँ पे जवारे बोए गए हैं 8 दिन बाद ना जब हमारे बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, तो आपको उसका भी ब्लॉग में दिखाऊंगी। हम इससे भी ऊपर वाले फुल रोड में जा रहे हैं, से यहाँ का व्यू देख रहे हैं, अभी हम ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ से ऊपर का व्यू देख रहे हैं, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, क्या बताएं, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। क्या क्या हो गया, भूख लग गई आपको? आपको भूख लग गई है? चंदो दुर्गा वासुदेव।
और हमारे इंडस्ट्री वाले मंदिर में ना रोज सुबह शिव अभिषेक होता है, जैसे मम्मी पापा चाची चाची जी वगैरह आते हैं, सब लोग आते हैं, बस मैं नहीं आ पाती हूँ, कोई अतार छोटा है ना इस वजह से, क्योंकि रात में नींद नहीं पूरी होती है, फिर सुबह उठा नहीं जाता है, तो ऐसे ही कुछ रूटीन चल रहा है। पर आज से नवरात्रि चालू हो गई है, रोज़ सुबह मतलब तो शाम के टाइम पे हवन होगा और 9 दिन का फास्ट भी रखा है। चाचा जी जी मतलब पूजा में बैठे हुए हैं इस वजह से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज़ अभिषेक होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कई बार वीडियो में आपके साथ में शेयर भी करा है, जब मैं आई थी पहले, जब यथार्थ हुआ नहीं था उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। बाकी अगर आपने यथार्थ को फॉलो नहीं करा है, मुझे नहीं करा है, तो मैं कॉमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगी इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं। और यथार्थ भी आज काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करूँ, क्योंकि वो घर से बाहर आया हुआ था, तो मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है ना कि थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए हैं यथार्थ हमारे, और बाबा यहाँ पे उनको खिला रहे हैं, और साथ साथ आरती की तैयारी हो गई, तो अभी हम आरती करते हैं सबके साथ में। मुंह से छेड़खानी तो दिक्कत हो जाती है। नींद आ रही है शर्मा था खा ले। ये क्या है माँ? पंडित जी को लेके आए, पपाया आया है। देख रहा हूँ ऊपर बुलाओ। ये देखो बेटू यथार्थ। हाँ देखा देखा। हाँ बेटू इधर देख ले, इधर अच्छी आ रही है। तो अभी अभी जस्ट हम लोग घर पे आए हुए हैं, और डोसा मैंने एक्चुअली वहीं पे खा लिया था, देसी में वगैरह गए हुए थे बच्चा पानी खाने के लिए, मैं साथ में लेकर ऑफिस में भी फीड करवा रही थी, तो फिर पैक करवा के ले आए थे लोग, तो मैंने वो खा लिया था। और बाकी सब लोगों को तरह से घर पे फास्ट है, और पंडित जी वगैरह को भी यहाँ से भोग बना के ले गए थे, तो उन्होंने भी वहाँ पर खा लिया था। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट फ्लॉग में। यथार्थ सो गया है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मतलब सोने के लिए कर रहा था, तो वो रास्ते में गाड़ी में ही सो गया था, तो अभी वो सिमरन के पास में सो रहा है, मैं जाके चेंज वगैरह करती हूँ। आई होप आपका आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।